कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग ठीक ही होंगे। फ्रेंड, आज का मेरा वीडियो एक ज्वेलरी हॉल होने वाला है। दो ज्वेलरी परचेज की है, वो दोनों ज्वेलरी मैंने अमेजोन से बाई की है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं वो ज्वेलरी मुझे कैसी रिसीव हुई है। और फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज फटाफट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आप लोग मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। हे फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ज्वेलरी हॉल। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों से अपनी ज्वेलरी रिव्यू शेयर करने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड, फर्स्ट जो मेरी ज्वेलरी है आप देख सकते हो, मुझे इस टाइप के कंटेनर में रिसीव हुई है। चलिए मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। फ्रेंड, मैंने अमेजोन पे बहुत सारे ज्वेलरी देखे थे, बट लास्ट में मुझे ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। और फ्रेंड, ये जो मेरी ज्वेलरी, आई होप सो ये ज्वेलरी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और इस ज्वेलरी की भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, इसे मैंने ओपन कर लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे इस ज्वेलरी में क्या क्या रिसीव हुई है। फ्रेंड, आप देख सकते हो मुझे ये ज्वेलरी की सारी सेट रिसीव हुई है, नेक पीस, इयररिंग और मांग टीका। फ्रेंड, इस ज्वेलरी की ना आपको इयररिंग और मांग टीका सिंगल में भी मिलेगी, बट वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस उसकी थी और मैंने इसको सिर्फ 350 में रिसीव किया है अमेजोन से। ये ज्वेलरी फ्लिपकार्ट पे भी है, बट इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने वहाँ से बाई नहीं करके मैंने अमेजोन से बाई किया है। 350 में मुझे ये रिसीव हुई है और इसकी प्राइस हमेशा बढ़ते घटते रहती है, तो आप लोग अपने विश लिस्ट में सेव करके रख लीजिए इसको। फ्रेंड, मैं इसका आपको इयररिंग दिखा देती हूँ। इसकी इयररिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, आप देख सकते हो। फ्रेंड, आप देख सकते हो मैं इसकी इयररिंग आपको दिखा दे रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है ये। आप इसके पर्ल की क्वालिटी देख सकते हो, इसकी पर्ल की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है और इस इयररिंग की डिज़ाइन मुझे अच्छी लगी है। फ्रेंड, बट ये है कि अगर आप इसको पानी और परफ्यूम से बचा के रखो के फ्रेंड, अगर आप इस ज्वेलरी को पानी और परफ्यूम से बचा के रखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आपकी टाइम तक टिकी रहेगी, क्योंकि इसकी जो कलर है ये जा सकती है आपके पानी और परफ्यूम से। फ्रेंड, इसके पूरे सेट की क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है और इस इयररिंग और ज्वेलरी को मैंने अपने एक वीडियो में भी पहन रखा है, सावन मेकअप लुक में। तो प्लीज़ आप, मैं ऊपर लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ देख सकते हो। फ्रेंड, मैंने इस ज्वेलरी की पहले इयररिंग और मांग टीका देखा था, बट वो मुझे काफ़ी ज़्यादा, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। तो फिर मैंने जब इसकी ज्वेलरी सेट के साथ देखी, मीन्स लाइक नेक पीस, मांग टीका और इयररिंग, और अंडर मुझे 350 में ये मिल गया, तो मैंने फटाफट इसे बाई कर लिया। फ्रेंड, अगर आप कोई भी ज्वेलरी खरीद रहे हो तो ध्यान रखिएगा, जब ऑफर लगे तभी आप लोग कोई ज्वेलरी या ड्रेसेस बाई करो, क्योंकि जब ऑफर लगती है तो ज्वेलरी और ड्रेसेस की प्राइस कम रहती है और ऑफर के बाद उसकी प्राइस एकदम ज़्यादा हो जाती है। और मैंने इस ज्वेलरी को अमेजोन से ऑफर में ही खरीदा था, इसीलिए मुझे 350 में ये रिसीव हुई है। फ्रेंड, मैंने इसका आपको इयररिंग दिखा दिया है, अब चलिए मैं इसकी मांग टीका दिखा देती हूँ आपको। फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं यहाँ दो ज्वेलरी की रिव्यू कर रही हूँ और दोनों मैं पहन के भी दिखाऊंगी और आप लोग जान पाओ कि ये ज्वेलरी कितनी ज़्यादा अमेजिंग लगने वाली है। फ्रेंड, आप चाहो तो इस इयररिंग को सिर्फ सिंपल सूट के साथ भी वेयर कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैं इसका मांग टीका आपको दिखा देती हूँ। मांग टीका भी इसकी कुछ इसी टाइप की है, बट नीचे उसके वो झुमके नहीं लगे हुए हैं, ये सिर्फ सिंपल में इसकी डिज़ाइन है और ऊपर से ये चेन दिए हुए हैं ताकि ऊपर आराम से फिक्स हो जाए। और आपको पता है फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है, बहुत बड़ी नहीं है और बहुत ही हल्की है, भारी लग रही होगी आपको देखने में, बट ये काफ़ी ज़्यादा हल्की है। फ्रेंड, ये मैंने मांग टीका दिखा दिया है, अब चलिए मैं आपको इसका नेक पीस दिखाती हूँ। फ्रेंड, आप देख सकते हो इसकी नेक पीस काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। ये नेक पीस चोकर डिज़ाइन में है और आजकल चोकर नेक पीस तो काफ़ी ज़्यादा चला हुआ है। फ्रेंड, अभी जो फेस्टिवल आने वाले हैं, वो सारे फेस्टिवल में आपको इस टाइप के ज्वेलरी सेट काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। दुर्गा पूजा में आप पहन सकते हो, दिवाली में पहन सकते हो, अभी तीज भी आने वाले हैं तो आप उसमें भी आराम से रेडी शेडी होके इसको ज्वेलरी को वेयर कर सकते हो। आप देख सकते हो इस ज्वेलरी के नीचे भी इन्होंने पर्ल लगा रखा है,
इसकी पर्ल की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, बट फ्रेंड इसको पहनने से पहले प्लीज 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 आप इसे परफ्यूम और पानी से बचा के रखिएगा, वरना इसकी कलर जो है वो निकल जाएगी और ये काफी ज्यादा भद्दा लगने वाला है जब इसकी कलर निकलेगी तो, क्योंकि आप पहन नहीं पाओगे। आप देख सकते हो इसकी मैं बैक की डिजाइन आपको दिखा दे रही हूँ, और इन्होंने धागा लगा रखा है ताकि आप ये गले में फिक्स कर सको। वाओ फ्रेंड, ये ज्वेलरी गले पे जाने के बाद और भी ज्यादा प्यारी लगती है। हे फ्रेंड, आप चाहो तो इस ज्वेलरी को बाय कर सकते हो, मैंने इस ज्वेलरी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। और फ्रेंड जो मैंने अभी लहंगा पहना है, अगर आप जानना चाहते हो कि ये कैसा है तो मैं इसकी भी रिव्यू डाल दूंगी, आप देख सकते हो। और ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया और इसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये लहंगा मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और हल्की है। फ्रेंड ये थी मेरी फर्स्ट ज्वेलरी, चलिए मैं अब आपको अपनी सेकेंड ज्वेलरी दिखाती हूँ जो मैंने अमेजोन से बाय किया है, वो मुझे कैसे रिसीव हुई है। और वो ज्वेलरी भी ना आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसे परचेस कर रखा है, तो मैंने भी परचेस कर लिया क्योंकि मुझे भी तो फेस्टिवल सीजन में ज्वेलरी पहनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्रेंड आप देख सकते हो मैंने ये अमेजोन से बाय किया और मुझे कुछ इस टाइप के डब्बे में रिसीव हुई है ये ज्वेलरी। चलिए मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। इन्होंने बहुत ही अच्छे से पैकिंग करके रखा है ताकि आपकी ज्वेलरी कहीं से टूटे ना। आप देख सकते हो फ्रेंड ये इस टाइप की मुझे रैप हो करके बबल वाली जो पैकिंग आती है उस पैकिंग में इन्होंने पैक करके दिया है। मैं इसको ओपन कर लेती हूँ अच्छे से। और फ्रेंड आपको पता है ये मैंने कितने में बाय किया है? विश्वास नहीं होगा आपको, 199। इसकी प्राइस हमेशा 550 650 रहती थी, बट मैंने इसे 199 में बाय किया है और ये मुझे जस्ट कल ही रिसीव हुई है। वाओ, आपने देखा है ना ये ज्वेलरी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे। चलिए मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। ओप्स फ्रेंड, आप देख सकते हो ये प्यारी तो बहुत ज़्यादा लग रही है, इसकी क्वालिटी अमेजिंग है, बट आप देख सकते हो इसकी नीचे की मोती निकली हुई है और इस पैकेट में इसकी मोती है। इसका इयरिंग में भी आप देख सकते हो, ओ नो, इयरिंग में भी इसकी मोती निकली हुई है, एक साइड है एक साइड नहीं है। इस इयरिंग की ठीक है, इस इयरिंग की दोनों साइड है। और ये रहा मांग टीका, मांग टीका में भी फ्रेंड आप देख सकते हो एक मोती इसकी निकली हुई है, और जो जो मोती निकली हुई है वो इस पैकेट के अंदर है। तो क्या हम लोग पहनने से पहले क्या पैक मोती लगा करके पहनेंगे? और फ्रेंड मुझे नहीं लगता कि ये मैं फिक्स कर पाऊंगी, अगर मैं रख भी लूँ इसको तो मैं इसको फिक्स नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इसका जो राउंड वाला मोती है वो इस पैकेट में है और बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्होंने मुझे ख़राब दे दिया है यार। मैं तो इसे एकदम रिटर्न करने वाली हूँ, मतलब अगर कोई पहनने के लिए लेगा तो उसे वो टूटा हुआ रिसीव हुआ होगा। फ्रेंड मैंने इसकी रिव्यू देखी थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी तब जा कर के मैंने इसे बाय किया है, तो क्या मैंने 199 में बाय किया है तब ये मुझे ऐसी रिसीव हुई है? फ्रेंड ये ज्वेलरी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, बट पता नहीं क्यों मैं तो नहीं रख पाऊँगी इसे, मैं इसे एकदम रिटर्न कर रही हूँ और ये मुझे कल ही रिसीव हुई है। उफ फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, बट मुझे इसे रिटर्न करना होगा। इसकी क्वालिटी ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैं इस दोनों ज्वेलरी को पहन करके दिखाती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये कैसी लग रही है। फ्रेंड आप देख सकते हो मैंने इस ज्वेलरी को बहुत ही अच्छे से वेयर कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ही अच्छी लग रही है। आप पूजा और अभी जितनी फेस्टिवल आ रही है ना, आप आराम से इसे पहन सकते हो। और प्लीज़ वाटर और परफ्यूम से बचा के रखिएगा, इसकी ना कलर निकल जाएगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी शाइन कर रही है ये। Oh,
और आप ना इस मांग ठीक है और इस इयररिंग को एक सिंपल कुर्ती और सूट के साथ ही वेयर कर सकते हो अगर आप इसका चोकर ना पहनना चाहो तो। वैसे अगर आप ये पूरी सेट पहनोगे तो काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है ये। फ्रेंड आप ये वाली ज्वेलरी देख सकते हो कैसी लग रही है। वैसे तो ये टूटी हुई है और मैंने बस आपको दिखाने के लिए इसको वेयर किया है। अगर ये बहुत अच्छी से आती ना तो ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगती। और ये ज्वेलरी थोड़ी सी हैवी और थोड़ी सी यहाँ मुझे नेक पे ना चुभ भी रही है क्योंकि इसका ये निकला हुआ है, तो मैं कम्फर्टेबल भी नहीं हूँ इस ज्वेलरी के साथ। और इसकी मोती जो है ना वो थोड़ी सी मतलब फीकी टाइप के, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस वाली इसकी मोती नहीं है। और इसकी मांग टीका और इयररिंग हैवी है और आप देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे एक होल है। आई थिंक सो इसके ऊपर एक चेन दिया हुआ होगा जो मुझे रिसीव नहीं हुई है क्योंकि इस टाइप की होल तो एक चेन के लिए ही होती है। वैसे अगर ये अच्छे से आती, इसकी मोती नहीं निकली होती तो मैं पक्का इसको रख, बट मेरे पास ना कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इसको क्यों रखूं जब ये मुझे मोती इसकी टूटी रिसीव हुई। तो फ्रेंड ओवरऑल मुझे फर्स्ट ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आई और इसे मैं रिटर्न कर रही हूँ। हे एवरीवन, सो ये था मेरा आज का वीडियो। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज का मेरा आपको ज्वेलरी हॉल कैसा लगा है। अगर आज का मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।